स्वागत है, सभी को बहुत सारा प्रणाम। विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे अनिल जायसवाल जी को, हीरा भैया बीच में उपस्थित हैं। सभी को बहुत सारा धन्यवाद। ज्यादा समय ना लेते हुए आइए पर प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम। लेकिन हम देख रहे हैं कि आगे जितने कहते हैं ना, एक बड़ी सुंदर एक लाइन कही गई कि न गोरों से न कालों से ये दुनिया परेशान है, सो सिर्फ इन कुर्सी वालों से। ये दुनिया में इंसान किसी से परेशान नहीं, बस ये कुर्सी वालों से बड़ी परेशान है। हम चाहेंगे पर दोनों हाथ ऊपर उठा लो यार, उतने दूर बिहार से बुलाए हो मुझे। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये चाची जी नहीं बोलेंगे, ये कसम खा के आई है, कसम खा के आएंगे, ये नहीं बोलेंगे। बोलेंगे एक बार दोनों हाथ उठाना, एक बार और मौका देते हैं। दोनों हाथ उठाओ पूरे पूरे, जो नहा के आया आज कांगड़ में, दोनों हाथ उठा के बताओ। आप बिना नहाया, आप बिना नहाया नहा के आए, तो एक बार दोनों हाथ उठा लो यार, एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। मैंने मंच के माध्यम से एक भजन गाया था, वैसे तो ये भजन हमारे गुरु जितने भी लोग गायकी आज कर रहे हैं, जिनसे वो सबसे ज्यादा जिनको सुनते हैं, पवन सिंह जी का गाया हुआ एक बड़ा प्यारा भजन है। कितने लोग इस भजन को सुने, बस आप लोग नहीं सुने, जिसके दिल में भोजपुरी होगा वो ये भजन जरूर सुना होगा। और हम चाहेंगे म्यूजिशियंस के बगैर से आगे मॉनिटर में डालिएगा भैया। मैं चाहूंगी पर दोनों हाथ उठा के पूरे पूरे और ताली बजाइए कि भर दे झोली मैया जी तेरे दर पे कुछ ना कुछ
सुनाना हो किसी को तो सिवाय प्रभु के किसी से हाले दिल मत कहिएगा, क्योंकि यहाँ दुनिया आपके रोने का सबसे ज्यादा फायदा उठाती है, और वो एक ऊपर वाला है जो हमारे रोने पे भी हमारी सुनता है, हमारी खुशी में हमसे ज्यादा खुश होता है। एक बार प्रेम से बोल दीजिए सच्चे दरबार की हाले दिल ना राम जी का भजन गाने। राम जी के भजन में बड़े स्लो स्लो आप लग रहे हैं। राम जी का भजन तब होता है ना जब हमारे पूरे शेर गाते हैं, राम जी के लिए दहाड़ना पड़ता है। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम और ताली बजाके भर दे झोली। भर दे झोली